कहीं से आई, कल्याणपुर से। तो आपने अपनी मम्मी को दिखाने? हाँ, मैं अपनी मम्मी को दिखाने आई थी। तो ये ऐसे बोलते हैं, नई पर्ची बनेगी, वो नहीं बनेगी, दवाई ले लो, बाहर से लो, वो लो, ऐसे बोलते हैं। अंदर से दवाई नहीं देते? अंदर से दवाई नहीं देते, बस एक गोली देंगे, कहेंगे बाहर से ले लो, बाहर से दवाई लेने के लिए कहते हैं। ये जो गार्ड है, ये जो ये लगाती है, झाड़ू लगाती है, ये पैसे मांगते हैं, ये खाने नहीं देते हैं, धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं, मांगते हैं पैसे, मांगते हैं पैसे देने पर ये अंदर जाने। हाँ, मैं यहाँ से कल्याणपुर से। तो आपने दिखाया था, तो कैसा था व्यवस्था? मैं दिखाने लाई थी, जब मेरा ऑपरेशन करवाने आया था, मुझे कोई देखने वाला ही नहीं था। जब मेरे इतनी सीरियस हो रही थी, मेरी हालत ज़्यादा डाउन हो रही थी, कोई देख रहा ही नहीं था, ना इंजेक्शन लगा रहा था, ना दवाई लगाई। दो घंटे से मैं अंदर परेशान हो गई, मैंने फिर चुपके से मैं बाहर निकली, मेरे बहन को लेके बोली, मैं तो पैसे घर मकान बेच के गिरवा रखे, मैं ऑपरेशन करवा लूँगी। तो क्या यहाँ के कर्मचारी वगैरह क्या कह रहे थे? पर्चा बनवाया तो यहाँ पर्चे बनवाने के लिए 100 रुपये, दवाई लेने के भी 200 रुपये लेते थे, जब दवाई देते थे पर्चा बनवाने के लिए। मतलब एक्स्ट्रा अलग से लेते? हाँ, एक्स्ट्रा। जब ऑपरेशन करवाएगी बोली थी, तेरा ऑपरेशन होगा 4-5 हज़ार रुपये का खर्चा है, तो मैंने बोला दे दूंगी मैं 4-5 हज़ार रुपये दे दूंगी। तो ये लोग एक्स्ट्रा से पैसे मांगते हैं? हाँ, पहले पैसे मांगते थे दवाई के, पर्चा लेने को दवाई लेके देती थी मैडम, जब दवाई लेने जाती थी तो दवाई वाले भी बोलते थे 100-200 रुपये दे दो, दवाई ले मिल जाएगी, ऐसे करते ही है। जबकि यहाँ तो फ्री में दवाइयाँ मिलती हैं। हाँ, यहाँ पे पर्चे लेके जब पहले नंबर, हाँ, आपसे पैसे मांगे। हाँ, नंबर तो लगता था, मैंने नंबर से परेशानी हो जाती ना, तो ये परेशानी हो जाती है, बस यही बोलती थी। फिर 100-200 रुपये लेते थे जब दवाई देते।